हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के चुटकियों में हल होने वाले तरीके को लेकर आया हूँ। नरेशन से जुड़े सवाल एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले कुछ एब्रिविएशंस को आप नोट कर लें और उसे समझ लें। मैं बराबर यूज़ करूँगा इस चैप्टर में एसआरवी, ORV, RS। SRV स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट करने वाली क्रिया के सब्जेक्ट को, यानी उसके पहले जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, उसे SRV कहा जाता है, सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट करने वाली क्रिया को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और ORV रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कहेंगे। तो SRV स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे से रिपोर्ट करने वाली क्रिया, ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब, तो RV भी यहां से क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब। RS रिपोर्टेड स्पीच व्हाट हैज बीन सेड बाय द स्पीकर टू द ऑडियंस। तो RS इज इक्वल टू द रिपोर्टेड स्पीच। इसी को फॉर्म करना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, सेंटेंस होगा एडवाइस, जो कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रकार है। इसके इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यूज करना है SRV जो दिया हुआ होगा, उसके बाद RV। RV के रूप में यहां हमेशा एडवाइस वर्ब का प्रयोग करेंगे। एडवाइस CE ये एक नाउन है, एडवाइज SE ये एक वर्ब है, उसके बाद ORV ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को प्लेस करेंगे। याद रखें, यदि दिया हुआ ना हो तो आपको अपनी ओर से लगाना है, क्योंकि बिना ORV के आप इंपरेटिव सेंटेंस के लगभग हर प्रकार का इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तब उसके बाद जो मेन वर्ब वन या डोंट प्लस मेन वर्ब नंबर वन से सेंटेंस का हिस्सा आएगा, जिसे हम एक्चुअल वर्ड्स कहेंगे डायरेक्ट स्पीच में, उसे आप RS के रूप में प्लेस करेंगे और RS का स्ट्रक्चर हो जाएगा टू। यहां कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, स्ट्रक्चर हो जाएगा टू प्लस मेन वर्ब नंबर वन एटसेट्रा, बाकी जो भी मिलता है उसके बाद उसको लगा दे। यदि आपका एक्चुअल वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच निगेटिव है, डोंट से शुरू हो रहा है, तो आप टू के पहले नॉट का प्रयोग कर दें, एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर लें। यदि आपका स्पीच निगेटिव है, तो याद रखें SRV स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब, ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब, RV रिपोर्टिंग वर्ब जो कि यहां शामिल है रिपोर्टिंग वर्ब, RS रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्ट कॉमास के अंदर में वर्ड्स होंगे उन्हें हम एक्चुअल वर्ड्स कहते हैं। जैसे ही इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस के लगभग हर प्रकार में आपको ORV एसेंशियल है, नहीं है तो आपको अपनी ओर से यूज करना होगा। SRV को सबसे पहले लाएं, उसके बाद RV, चूंकि सेंटेंस आपका एडवाइस होगा, डोंट स्मोक, वर्क हार्ड, तो RV के रूप में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आपको वर्ब प्लेस करना है एडवाइस, उसके बाद ORV, उसके बाद जो एक्चुअल वर्ड्स है उसमें टू लगा दें, टू प्लस मेन वर्ब नंबर वन एटसेट्रा। यदि वो नेगेटिव है तो टू के पहले नॉट एडवर्ब का प्रयोग कर दें। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने डायरेक्ट स्पीच आ रहा है, ही सेट वर्क हार्ड। यहां ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है। इनडायरेक्ट बनाते समय इंपरेटिव सेंटेंस में खासकर उसके हर लगभग हर प्रकार में ORV एसेंशियल है, तो हम अपनी ओर से इसमें पुट करेंगे। तो ही सेड, आप ही से डिफरेंट प्लेस कर दें, मी ला दें, यू ला दें, हर ला दें। तो चलिए मैं मी लाता हूं, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच मैं बनाता हूं ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो एडवाइज का पास्ट हम रखेंगे, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। वर्क हार्ड, हमें इन्फिनिटिव टू से शुरुआत करनी है RS की, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। बिल्कुल आसान होगा,
थोड़ा ध्यान देंगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच पकड़ने में, सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, देखिए आपका ही हो गया एस आर वी, एडवाइज्ड हो गया आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, मी आपने अपनी ओर से लाया चूंकि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ओ आर वी, ये आपने टू इस्तेमाल कर दिया, दिए गए एक्चुअल वर्ड्स वर्क हार्ड के पहले, ये हो गया आपका आर एस, एस आर वी सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब, आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, ओ आर वी ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब, टू वर्क हार्ड आर एस रिपोर्टेड स्पीच। और इस तरह से आपका सही इनडायरेक्ट स्पीच रेडी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शी सेड टू मी डोंट स्मोक। याद रखें प्रोहिबिशन एंड एडवाइस में अंतर पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि प्रोहिबिशन है तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ एडवाइस। यदि यहां सेंटेंस होता डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक इन द रूम, तो ये एडवाइस नहीं बल्कि प्रोहिबिशन होता, और तब क्रिया फॉरबिड का प्रयोग हम करते या आस के साथ नॉट लगाकर बनाते। लेकिन यहां डोंट स्मोक, ये स्पीकर एडवाइस कर रहा है आपको कि धूम्रपान ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहां हम एडवाइस क्रिया का प्रयोग करेंगे। इस तरह से डिफरेंसेस को बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं। सो इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए सी, Advised me, चूंकि ओ आर वी अवेलेबल है हम उसी को यूज कर लेंगे। सी एडवाइज्ड मी नेगेटिव है तो नॉट को प्लेस करें और फिर टू लगाकर मेन वर्ब वन आदि को उतार लें। नॉट टू स्मोक, सी एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड टू मी डोंट स्मोक। सी आपका एस आर वी, Advised आर वी, मी ओ आर वी, एंड नॉट टू स्मोक आर एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज से कीप द डोर शट रानी। यदि स्पीकर कहता, यदि स्पीकर ने कहा होता शट द डोर, तो ये एक कमांड होता और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी स्थिति में आस्क, यदि स्थिति स्पष्ट है कि कहने वाला मास्टर है, बॉस है, तो ऑर्डर का प्रयोग करते। लेकिन यहां स्पीकर ने कहा कीप द डोर शट, दरवाजा बंद करके रखा करो, अर्थात ये रानी को सलाह दे रहा है, अतः आपकी क्रिया एडवाइज्ड हो जाएगी। रानी यहां कॉलिंग वर्ड है, वर्ड ऑफ एड्रेस है, इसे हम ओ आर वी, जब भी डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स में कोई कॉलिंग वर्ड हो तो उसे उठा करके हम ओ आर वी के जगह पर प्लेस कर देंगे, तो हमारा इनडायरेक्ट होगा स्टूडेंट्स एडवाइज्ड रानी। अब बचा आपका कीप द डोर शट, इन्फिनिटिव लगा दें इसके पहले, टू कीप द डोर आई एडवाइज्ड रानी टू कीप द डोर शट। आपका एस आर वी, एडवाइज्ड आर वी, रानी ओ आर वी, जो कि कॉलिंग वर्ड को उठाकर आपने यहां प्लेस किया, एंड टू कीप द डोर शट इज द रिपोर्टेड स्पीच इज द आर एस। इफ योर इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट, कैसे पकड़ेंगे रिक्वेस्ट को, तो उसमें प्लीज, काइंडली, इस तरह के एडवर्ब्स आपको मिलेंगे, समझ जाना है कि वो एक रिक्वेस्ट है। तो जैसे ही आपका स्पष्ट हो गया प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट रिक्वेस्ट है, तो एस आर वी को सबसे पहले प्लेस कर दें, उसके बाद आर वी आपका रिपोर्टिंग वर्ब इस बार रिक्वेस्ट होगा, उसके बाद ओ आर वी को प्लेस कर देना है, देन जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं एक्चुअल वर्ड्स में स्पीकर के कथन को इन्फिनिटिव टू के साथ यूज कर लेना है। यदि आपका रिक्वेस्ट नेगेटिव है प्लीज डोंट गो आउट, तो फिर ऐसी स्थिति में टू के ठीक पहले, रिमेंबर इन्फिनिटिव के पहले ही नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक टू के पहले आप नेगेटिव का प्रयोग कर दें, नॉट कब If नेगेटिव। तो यदि आपका डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है He said,
प्लीज सिट डाउन। इस डायरेक्ट स्पीच में ओआरवी अवेलेबल नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाए तो ओआरवी एसेंशियल है, नहीं दिया हुआ है तो अपनी ओर से प्लेस कर लें। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा इनडायरेक्ट होगा ही, क्योंकि प्लीज है तो ये बता रहा है कि आपका ये रिक्वेस्ट है, तो आपकी क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड हो जाएगी सिड पास्ट के अनुसार, ही रिक्वेस्टेड। मैंने मी इस्तेमाल किया, आप एसआरवी से डिफरेंट कर दें, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड हर, ही रिक्वेस्टेड देम एंड सो ऑन। सो चलिए ही रिक्वेस्टेड मी प्लीज को हटा देना, क्योंकि इसी की जगह पर आपने रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया है, उस एडवर्ब की अब कोई जरूरत नहीं है। बचा आपका सिट डाउन, इन्फिनिटिव यूज करके ले ले। टू, सिट डाउन। सो ही सेड प्लीज सिट डाउन, इनडायरेक्ट स्पीच इसका हुआ ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, ही एस आर वी रिक्वेस्टेड आर वी मी ओ आर वी एंड टू सिट डाउन इज द RS reported a speech. Let us have it another example. आपका direct speech है She said to me kindly don't look at me. आपका adverb kindly स्पष्ट कर दे रहा है कि ये दिया गया direct speech एक request है, तो आप start करें। काइंडली के अनुसार आपका रिक्वेस्टेड आया, काइंडली को रिमूव कर दें, ओआरवी अवेलेबल है, शी रिक्वेस्टेड मी। अब बचा आपका एक्चुअल वर्ड्स में डोंट लुक एट मी, तो डोंट के डू को रिमूव कर दें, नॉट को टू के पहले प्लेस कर दें, नॉट टू लुक एट। अब बचा पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पर ध्यान दें, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंजेज एज पर द एसआरवी, आपका एसआरवी सी है, सी के अनुसार मी विल चेंज टू हर। तो सी सेड टू मी काइंडली डोंट लुक एट मी का इनडायरेक्ट स्पीच हुआ स्टूडेंट्स, शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू लुक एट हर, सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू लुक एट हर, आपका सी एस आर वी रिक्वेस्टेड आर वी मी ओ आर वी नॉट एडवर्ब डोंट से हमने लिया, एंड टू लुक जो एक्चुअल वर्ड्स में इन्फिनिटिव है उसमें हमने मेन वर्ब वन है उसमें टू लगाकर एड कर दे, टू लुक एट हर। मी आपका जो डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन है वो चेंज कर गया एस आर वी के अनुकूल, एस आर वी आपका शी है तो मी चेंज टू हर। इस तरह से आपका राइट इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इतनी सी कोशिश करनी है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, अटेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है, और आसानी से चुटकियों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर राइट ऑप्शन को टिक कर देना है। बेस्ट ऑफ लक, आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।